उपस्थित सभी निशुल्क श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। निशुल्क माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं। अभी आप सुन रहे थे रोशनी का गांव पानी में। यार ऐसा गांव कहाँ है ये? ऐसा प्यार करते हैं क्या अभी लोग? हमारे मोहल्ले में भी थी डॉक्टर एक रोशनी नाम की लड़की, 15-20 छोरों को अंधेरे में रखा हुआ था उसने। असली है ये, वही लोग हैं जो अंधेरे में सीटियां बजाते रहे हैं। बहुत ही अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। मुसीबत में तो ब्राह्मण का बेटा ही काम आता है। माइकालाल, तुम्हारा माइक बहुत ही अच्छा है। मुकेश जी पचौरी साहब, आप इनको समझा रहे हो ना? आप रहने दो, मैं समझाऊंगा अब इसको। भैया इसका इको बिल्कुल बंद कर दे जब तक मैं बोल रहा हूं। हेलो, बिल्कुल बंद। हाँ, अरे डबो तो जरी, डबो तो सर। हाँ बिल्कुल जीरो। बुद्धि प्रकाश दादीज की ओरिजिनल आवाज आनी चाहिए। हेलो, यस, इसका बेस थोड़ा सा कम करो। हेलो, थोड़ा और कम। अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबे को नहीं है। हेलो, यस, इसकी ट्रिबल थोड़ी सी बढ़ाओ। हाँ हेलो, जो मॉनिटर स्टेज को साउंड दे रहा है उनको थोड़ा सा लाउड करो। हेलो हेलो, अभी नहीं हुआ लाउड। और ये पीछे वालों को भी साउंड, ये बंद पड़े बिल्कुल, उनको भी खोलो। हेलो, हाँ ये इतनी बात है इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए मैं भी पहले माइक वाला ही था। अब इसमें बीच बीच में उंगली मत करना। और मजेदार बात बताऊं, इस माइक को वापस पहले जैसा ही कर दे। मैंने कहा यार थोड़ा पुरुषार्थ कर लो, काम नहीं हो तो काम पे दे। इतना बढ़िया गीत सुना के गया, इसकी कोई गलती नहीं है। हजारों की भीड़ में यह भी पहली बार आया। पता नहीं सर, आप तो जिला कलेक्टर साहब हैं। हाँ। लोक बंधु साहब, हम भी लोक बंधु ही हैं। पर लोक नहीं मान रहा। हाँ। लोक नहीं मान रहा। तो ये बड़े आनंद के साथ आप सुन रहे थे। इसको क्या मालूम था कि राजस्थान में कवि सम्मेलन भीड़ भाड़ में होते हैं। कवि तो भीड़ में खो जाता है और कविता भाड़ में चली जाती है। यहाँ तो आनंद चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है, जिधर देखो उधर आनंद की बात है। रोशनी का गांव पानी में, ये पानी में, वो पानी में, गुलाब, चांद, सितारे, ये सब श्रृंगार रस के वफादार शब्द हैं। हाँ, जिधर देखो उधर पानी में। राजस्थान में आके कर रहा बात पानी में। हम तो साले घर में पानी का संकट पैदा हो जाए तो क्या बात करते हैं। मैंने एक दिन अपनी लगवाई से कहा, अपनी मतलब मेरी, कुछ लोग पॉकेट में उम्मीद से देखने लग गए। मैंने मेरी पहली सगी और आखिरी पत्नी से कहा, इससे पता चलता कवि का करैक्टर कैसा है। मैंने कहा जरा पानी पिलाना, तो आधुनिक अंदाज में बोली आप ही पी लीजिए। मैंने पूछा पानी कहाँ है, बोले घड़े में। घड़ा कहाँ है, रसोई में। रसोई कहाँ है, घर में। घर कहाँ है, केकड़ी में। केकड़ी कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान कहाँ है, भारत में। भारत कहाँ है, एशिया में। एशिया कहाँ है, संसार में। संसार कहाँ है, पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, पानी में। पानी कहाँ है, घड़े में। अरे जिधर देखो उधर खेल शब्दों के सहारे चलता जा रहा है। बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। आदरणीय मेवाराम जी साहब, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि रात को आप जिस ट्रेन से आ रहे थे मैं भी उसी में ही था और उसी कोच में था। आप H1 के B में थे और मैं MA था। हाँ, पर मैंने आपको एहसास नहीं होने दिया कि मैं कवि हूँ और आपने भी एहसास नहीं होने दिया कि आप MLA साहब हो। नहीं तो लेकिन मैंने कुछ बातें इनकी सुनी, वो वास्तव में अद्भुत थी। नहीं, अगर इन्हें पता चल जाता तो कवि तो उतर जाते। नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहो, मैं राजनेताओं के बारे में कुछ भी नहीं कहता हूँ। और जब कहना शुरू करते हैं तो जैसे ही अपने वाले को नहीं छोड़ते हम इनको नहीं छोड़ते। हाँ, राजनीति के बारे में क्या बात करें साहब, आजकल बड़ी विचित्र स्थितियां, कैसे कैसे समाचार सुनने को मिल जाते हैं। सरकार ने निर्णय किया है
कि अब सऊदी अरब से तेल नहीं मंगवाया जाएगा, तेल सीधा जनता का निकाला जाएगा। अच्छा है, भाव की बातें, कवियों की दृष्टि जाती है, वो आपके लिए सामान लेकर के आते हैं। कुछ किसान लोग मिलकर के एक नेताजी के पास गए। हाँ। नेताजी ने पूछा, आप लोग कौन? बोले, हम किसान। बोले, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पैरों में कीचड़ कैसे? बोले, साहब किसान, हम तो खेतों से आ रहे हैं काम करते हुए, खेतों में तो कीचड़ होता ही है। तो नेताजी ने कहा, हमारी सरकार आने दो, हम तुम्हारे सबके खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। अब नेताजी का नाम मत पूछना। हमारे यहां आनंद जिधर देखो उधर है, कवियों की दृष्टि विलक्षण होती है। ये दिल्ली की एक मुखिया ने घोषणा की, 530 नए स्कूल खोले जाएंगे, और खोल दिए 760 दारू के ठेके। उनका मानना है कि पीने के बाद आदमी ज्ञानी तो हो ही जाता है। ये हमारे दिनेश बावरा शक्ल देख दिखा दिखा के ही कमा के खा रहा है। बड़ी क्या जोरदार बात, ये तो दयालु है डॉक्टर कुमार विश्वास। जिसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, उसकी शक्ल का आदमी टीम में रख रखा है इन्होंने। ये भी गए थे थोड़े दिन राजनीति के भंडारे में, उड़ी भी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई। तो ये तो मैं तो राजनीति की बातें करूंगा नहीं, तो मैं तो मस्तियों की बातों को कहने के लिए बुलाया सुनाया जाता हूं। कितना बढ़िया गाया इसने, कमाल का गीत पढ़ा। और यदि आप सबको लगे कि इतना प्यारा गीतकार आपने यहाँ पर पहली बार बुलाकर कोई गलती नहीं करी, तो पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां स्वयं श्रीवास्तव के लिए। बहुत अच्छे। मैं तो इसके जितना मीठा गा भी नहीं सकता। बल्कि इसी अयोग्यता की वजह से मेरी शादी हुई थी। हाँ, शादी के लिए लड़की देखने गए तो मेरे पिताजी ने कहा, हमारा लड़का बहुत ऊंचा गाता है, तो मेरी होने वाली सास बोली, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, हमारी लड़की भी ऊंचाई सुनती है। तो मैं तो कुछ, आप सब लोग यहाँ पर आए हो, बैठे हो आधी रात को घरबार छोड़कर, तो कोई रोने धोने तो आए नहीं हो, पहले ही कितना बड़ा त्याग बलिदान करके आए हो। तो मैं आपको ऐसी कुछ चीजें सुनाऊंगा जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान आए। मुझे क्या हजारों लोगों को हंसते हुए देखना अच्छा लगता है। पानी और में। कोरोना के बाद इतने 50,000 आदमी यहाँ पर बैठे, इनको एक साथ हंसते हुए देखना तो किसी पुण्य से क्या कम होता होगा यार। मैं थार महोत्सव कराने वाली पूरी टीम को बधाई देता हूँ। क्या जमाना था कलेक्टर साहब, हम घर पे ही पड़े रहते थे। आज के 3 साल पहले का टाइम याद करो। मोहल्ले के कुत्ते सोचते थे कि सारे इंसानों को नगर परिषद वाले ले गए दिखते हैं। क्या जमाना था, घर पे ही पड़े रहते थे, इतना सोए कि सपने भी रिपीट होने लग गए थे। और मेरे साथ एडीएम साहब, संकट ये था कि मेरे हर 2 सपनों के बीच में विज्ञापन भी आने लग गए थे। कितना खराब समय था, टेलीविजन और अखबारों के समाचार तक बदल गए। घर पर रहते रहते पति को हुआ अपनी ही पत्नी से प्यार। मैंने कहा, वाह रे समाचार। एक आदमी तो गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मैं योग करता हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, गर्म पानी पीता हूं, नींबू के पानी से गरारे करता हूं, दिन में 50 बार हाथ धोता हूं, 100 बार हैंड सैनिटाइज करता हूं, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा दिए, अब बताओ और मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब बोले, भैया अब तो भगवान नरसिंह अवतार ले तो ही तेरी मृत्यु हो सकती है, या फिर कोई रामचंद्र जी आके तेरी नाभि में तीर मारे तो तू मरे। कितना खराब समय था। ये हमारा दिनेश बावरा कहीं जा नहीं सकता था, बाहर जाए तो ये पुलिस के सज्जन सम्मान करते थे। हाँ, आदमी सूजी लेने जाता था, सूजी भी लेके आता था। ये वही है जो सूजी लेके आए थे। तो एक दिन इसके घर के बाहर वो सब्जी बेचने वाला आया, बोला, एक काम करो। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है? नहीं नहीं, वो स्क्रीन बंद हो गया। स्क्रीन बंद हो गया क्या? इसे देखो, इसमें क्या देखने लायक है, दूर से देख लो। अब देखो यार, जितनी पब्लिक की उम्मीद थी उससे 4 गुना ज्यादा पब्लिक आ गई, तो प्रशासन भी क्या सोचे। उन्होंने तो 50,000 की व्यवस्था करी, आप 1,00,000 आ गए, ये भी क्या करे। आप एड्रेस भेज दो सुबह सारे, कभी घर पे ही आ रहे हैं तुम्हारे। तो बड़े आनंद के साथ सुना रहा था मैं, जिधर देखो उन्हें, भैया तू तो ऐसा करके माइक तेज कर दे,
और उधर देखो स्क्रीन पर देखने लायक शक्ल है भी नहीं मेरी। हाँ ये कैमरे वाले बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखो रे भाई तुम कितना भी बढ़िया फोटो बनाओ। आ गई आ गई आ गई, इमेज तो मेरे को ही बनानी पड़ेगी। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया बात हो गई तो कर दो एक बार, इसीलिए नहीं बजा रहे। आइए मैं शुरू करता हूँ। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि इतनी सारी मात्रा में माताएं बहनें भी यहाँ पर कवि सम्मेलन सुनने आई है, वरना इस टाइम तो आप लोग टीवी पर नाटक देखती हैं। हाँ नाटक देखने का वक्त होता है इनका, नहीं देखने दो तो शुरू कर देती है। अच्छा था, अच्छा था। आजकल आ गई अपने देश में वो एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। क्या सीरियल बनाती है वो, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर उसके साथ। सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। वारे पवित्र रिश्ता। अच्छा इन रिश्तों से जो संतानें पैदा हो रही है उनके लिए एक अलग सीरियल बनाया हुआ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जिधर देखो उधर टेलीविजन और फिल्मों का प्रभाव। सुंदरियां आती है टीवी पर हमसे सवाल पूछती हैं, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो ऊपर से डाल लेता हूं। और न्यूज चैनल वालों के हालात तो और भी खतरनाक है। हाँ। वो एक पत्रकार गया एक किसान के पास, कब बोला आप अपने बैलों को क्या खिलाते हैं? बोला कौन से बैल को, काले वाले को सफेद वाले को? बोला काले वाले को। बोला घास खिलाता हूं। और सफेद वाले को? बोला उसको भी घास खिलाता हूं। बोला आप अपने बैलों को बांधते कहां हो? बोला कौन से बैल को, काले वाले को सफेद वाले को? बोला सफेद वाले को। बोला घर के बाहर वाले बाड़े में। और काले वाले को? बोला उसको भी घर के बाहर वाले बाड़े में। बोला आप अपने बैलों को नहलाते कैसे हैं? बोला कौन से बैल को, काले वाले को सफेद वाले को? बोला सफेद वाले को। बोला ठंडे पानी से। और काले वाले को? बोला उसको भी ठंडे पानी से। पत्रकार का दिमाग खराब, गुस्सा आया, नालायक। बोले जब दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है तो बार बार ये सवाल क्यों पूछता है, काले वाले सफेद वाले, काले वाले सफेद वाले क्यों करता है? बोले इसलिए करता हूं क्योंकि काला बैल मेरा है। बोला सफेद बैल? बोला वो भी मेरा है। पत्रकार बेहोश, पानी के छींटे दिए, होश में आया तो किसान ने कहा आप समझ में आया, सुबह से लेकर शाम तक छोटी सी न्यूज को तुम घुमा फिरा कर हमारी छाती पर जो मूंग दड़ते रहते हो, हमारे पर क्या गुजरती होगी? ये अच्छा है, तो ये तो आनंद की बातें हैं। मैं इन सब जिधर देखो उधर फिल्मों को, क्या कविता पढ़ी भाई ने, रंग दे बसंती चोला, बाकी फिल्में तो नाम इसमें भी आए ही थे, जिधर देखो उधर फिल्मों का ही प्रभाव था। हाँ। आनंद की बातें तो वहीं से आ रही है, जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव। अस्पताल में खड़े हुए आदमी से नर्स ने आकर के कहा कि बधाई हो, एक साथ तीन बेटे पैदा हुए हैं तुम्हारे। वो बोला ये तो होने ही थे, वो फिल्में ऐसी ही देखती थी, धूम 3, क्रिश 3, राज 3, मर्डर 3, गोलमाल 3। नर्स बोली अच्छा रहा भाई साहब, उसने दिल्ली 6 नहीं देखी। वो तीन महिलाएं तो आपस में बातें कर रही, एक बोली ना मैंने फिल्म देखी जुड़वा, मेरे एक साथ दो बेटे पैदा हुए। दूसरी बोली मैंने फिल्म देखी त्रिदेव, मेरे एक साथ तीन लड़कों ने जन्म लिया। तीसरी घबराई है भगवान मेरा क्या होगा, मैंने तो रात को अलीबाबा 40 चोर देखी। जिधर देखो उधर फिल्मों का प्रभाव। सुंदर सी कार जा रही, उसके पीछे लिखा हुआ सावन को आने दो, उसे जाकर एक ट्रक ने बजीड़ खाई, जिसके पीछे लिखा हुआ था आया सावन झूम। तो इन तमाम बातों से मैं तो हटाता हूं, क्योंकि मेरी भूमिका में जो कहा गया मैं वही आता हूं। राजस्थानी भाषा के मीठे आनंदमय गीतों के लिए मुझे जाना जाता है। देखो आप दुनिया की कोई सी भी लैंग्वेज सीख जाओ, जर्मन सीख जाओ, इंग्लिश सीख जाओ, फ्रेंच सीख जाओ, स्पेनिश सीख जाओ, पर अंधेरी रात में कुत्ता पीछे पड़ जाओ तो राजस्थानी में दुर्रा दुर्रा ही काम आता है। राजस्थानी भाषा है ही अद्भुत। तो मैं आपको राजस्थान के मस्ती भरे कुछ गीत सुनाता हूं। अच्छा ये ऐसे तो मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। मस्तियां कैसे भी आ सकती, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने की जरूरत है।
मारी करवा चौथ का चांद मारा जीवड़ा ने मत रांद छड़के जबर सबर को बांध डील मैं गुंगरू बाजे रे साजन जल्दी आजे रे हो परिण्या बेगो आजे रे। ये है राजस्थान की मस्ती, जिधर देखो उधर। मैं तो आज एक गांव से निकल रहा था, मैंने देखा एक लड़की की स्कूटी के पीछे लिखा हुआ था वर्तमान सरपंचणी की छोटी ननद। हमारे आनंद देखो जिधर उधर देखो उधर बिखरा पड़ा हुआ। छोटे छोटे गांवों में अब अपने यहां कंप्यूटर की क्लासें चलने लग गई। कंप्यूटर की क्लास में एक लड़की से पूछा डाटा किसे कहते हैं, वो बोली साहब पानी की टंकी की टोंटी टूट जाए। फिर उसमें जब डुच्चा फंसाते हैं उसी को डाटा कहते हैं। डुच्चा तो राजस्थानी भाषा तो है ही अद्भुत, क्योंकि हमारे राजस्थान का तो सही मायने में आनंद का वक्त ही अब आया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल तक युद्ध लड़े, सैकड़ों वर्षों तक हमारे यहाँ काल पड़ते रहे, इसीलिए कमाने के लिए आदमी दूर दूर तक गए। इसीलिए ये कहावत बनी कि जान नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए। हाँ ये तो आपने लिखा होगा। तो राजस्थानी भाषा भी कई प्रकार से बोली जाती है, मेवाड़ में अलग, ढूंढाड़ में अलग, शेखावाटी में अलग, हाड़ोती में अलग। हमारे अजमेर मेरवाड़ा की तो एक लड़की की सगाई करी उदयपुर मेवाड़ साइड में चित्तौड़ की तरफ। अच्छा। तो लड़के वालों से पूछा साहब दहेज में क्या लेओगे। हाँ। लड़का वाला बोलिया माँ के तो दहेज में कई नछावसा, मैं तो मिनखा का भूखा हाँ। मिनखा ना खाए तो बेटी देबा की रिस्क कौन उठाए। पर ये बोलियों की मस्ती है। एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में आती, उस पर उसके परिवेश का प्रभाव। वो घर में साफ सफाई करना चाहती थी, तो साफ सफाई करने के लिहाज से सासू जी से बोली सासू सू पड़ो साफ कर दू के। सासू बोली तू यही घर बनाएगी। अच्छा गांवों में आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है, तो चूल्हा जलाने के लिहाज से वो अपने सासू जी से बोली सासू लापो लगा दुके। सासू बोली तू गजब कर रही है। थोड़ी देर बाद उसकी जेठू थी, जेठ जी की बच्ची। जेठू थी में तो समझते हो ना। हाँ मुझे मालूम है मैं कौन सा लंदन में खड़ा हूं जो। हाँ घर में एक ऊंची ताक होती है जिसपे एक डिब्बा रखा हुआ था जिसको हम टांड कहते हैं। डिब्बा उतारना चाहती थी वो जेठूती, पर बिचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। मजा आएगा आपको सीन देखना। वो जेठूती उस डिब्बे को उतारना चाहती थी, बिचारी का हाथ नहीं पहुंच रहा था। जंप लगाती नीचे रह जाती, जंप लगाती नीचे रह जाती। उस बहू से रहा नहीं गया, उसका पति भी वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने अपने पति से कहा काई उबा उबा देखो हो इथा की मारा अंड न खांदे लियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस भाषा में अपनी बात कहते हैं, भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई ये कहे कि मिठाई बहुत सुंदर है, उससे सावधान रहना। परसों ये भी कह सकता आपकी लुगाई बहुत स्वादिष्ट है। भाषा के गलत प्रयोग करने वाले लोगों से बचो। बोलियों का मजा है। मैं कुछ समय पहले हमारे रमेश मुस्कान जी के साथ उधर गुजरात यात्रा पर था। गुजरात याद बोल, गुजराती बोली का अलग ही मजा है। सिनेमा हॉल में पिक्चर लगी हुई थी सुपातर बीनणी, नीचे लिखा हुआ था चालू छ। मैंने कहा वाह रे सुपातर बीनणी। कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब हमें पंजाब की तरफ ले गए कवि सम्मेलन में। मैंने देखा एक गांव में किराने की दुकान सरदार जी की, और बात समझ में आ जाओ तो मुझे बताना, विद्वान लोगों के बीच बात चल रही है बोलियों की मस्ती। किराने की दुकान पर एक सुंदर सी महिला गई और जाते ही पहले कहा सरदार जी लिप्टन दी चाहेगी। अच्छा है, बहुत बारीक है। सरदार जी बोले मैनू तो नहीं है तुआडे नु तो लिपट जा। ये बोलियों की मस्ती है जिसके भीतर जो रस भरा हुआ उसको समेट करके मैं आपके बीच लाता हूं। अभी तक भी जिन लोगों के हाथ ना खुले हों वो मस्ती से जुड़ जाना, क्योंकि कवि सम्मेलन कल नहीं होगा। कल तो जो होगा वो होगा, पर आज जो हो रहा है उसमें जिसकी भूमिका नहीं बनी, इतने स्टेडियम में बैठे तमाम लोगों, देखो राजस्थान में लोकरंजन के दो बड़े पात्र होते हैं, एक तो ब्याई जी और दूसरा ब्याण जी। देखो ब्याई जी ब्याण जी बोलिया जो, तो ब्याई जी गए ब्याण जी के यहां। ब्याण जी ने खिचड़ी पुरसी। अब ब्याण जी खिचड़ी में घी की धार चला रही है,
ब्याई जी भी बूढ़े हो गए, ब्याण जी भी बूढ़ी हो गई। तो ब्याई जी कह रहे हैं, मजा आएगा बात का आपको, कि बह गया भाव स्वभाव मतीरियां गलगी, बह गया भाव स्वभाव मतीरियां गलगी, अब कतरोई घी गालो ब्याणिया वे बातां तो टलगी। तो ये बातें टल नहीं जाए आज की रात आनंद लेना, तब मैं आपको एक लोकरंजन का गीत सुना रहा हूं। क्या बात है, वाह वाह बुद्धि। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, वाह वाह करो बुद्धि प्रकाश। दादीज को अनुशासनहीन होकर सुनने का रिवाज है। देखो इधर मैं बोल रहा हूँ, इधर पीछे खाना पीना चल रहा है। मैं ब्राह्मण का बेटा दूसरों को खाते पीते देख भी नहीं सकता। नहीं कुछ नहीं यार, वो चाय वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ नहीं पीनी चाहिए चाय। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, इस कलयुग में चाय है फूंक फूंक कर। हाँ सब बोल रहे हैं जैसे सबको ही मिलने वाली हो, इस देश में सब उम्मीद पे जिंदा है। आइए शुरू करते हैं। आजकल सर प्रेम प्यार मोहब्बत में दिल टूट जाए तो दर्द नहीं होता है, असली दर्द तो तब होता है जब आप मोबाइल को चार्जर पर लगाकर जाओ और दो घंटे बाद आके देखो कि बटन दबाना तो भूल ही गए थे। तो विज्ञान के नए आविष्कारों का हमारे लोकरंजन के संबंधों में क्या फर्क पड़ा, वो मस्ती की चीजें सुनाता हूँ। मोबाइल ऐसी चीज हो गया आजकल, गलती से किसी दोस्त के यहाँ अगर हम मोबाइल भूल कर आ जाएं तो ऐसा दौड़ के जाते हैं जैसे शक्ति कपूर के घर पर अपनी प्रेमिका छोड़ के आ गए हूं। उस दौर में विज्ञान के नए आविष्कारों का लोकरंजन में जो फर्क पड़ा उसका मजा लेना। बुद्धि प्रकाश को हा हू करके सुनते हैं, अनुशासनहीन होकर के। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस को, मोबाइल से मार गई मीठा, ऐसे तो आनंद आ जाएगा। क्या अद्भुत श्रोता हो आप सब लोग यार। अब सीन देखना आप, बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक, फ्रेशनेस के साथ ब्याण जी को अच्छा लगना चाहिए। मोबाइल पर इतना ध्यान रखते संबंधों का, भाई दी में वीडियो कॉल हो जाए तो। बुढ़ापा में ब्याई जी के नखरा तो देख, दाढ़ी बनाए कर कियो कॉल बैक, और बार बार ऊपर के बटना न खोल, बार बार ऊपर का बटना न खोल, देवानंद की स्टाइल में डील खाव झोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल, मोबाइल से। आनंद आ रहा है, मुझे भी बहुत आ रहा है, लगता है पूरा राजस्थान खिलखिला रहा है। अब सीन देखना, ब्याण जी से बोले करके कमरे को लोक, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है जो छोरे छापरों के सामने करने की नहीं होती। ये बुजुर्ग लोग हमें कुछ सिखाना थोड़ी चाहते थे। ये तो हम ही नालायक है जो उनको देख देख के सब सीख गए। ब्याण जी से बुजुर्ग लोगों से प्रार्थना है कि मेरे गीतों को अधिक गंभीरता से नहीं सुने, इस उम्र में बहुत सी दवाइयां रिएक्शन कर जाती। ब्याण जी से बोले करके कमरे को लोक, मिस कॉल मारवा को पाड़ो का ही शोक, और केण हो जो सांची सांची कह दे मुंडो खोल, केण हो जो सांची सांची कह दे मुख खोल, मैं जय देवगन तुम्हारी काजोल, मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्याण जी को मिस कॉल, मोबाइल से। तो बात ने संभाल बाको करके जतन, ब्याण बोली गलती सु दब गयो बटन, बात ने संभाल बाको करके जतन, ब्याण बोली गलती से दब गयो बटन, और माफ करो ब्याई जी बनाओ नमक खोल, थाकी घंटी बाजबा में माँ को कई रोल, मोबाइल से मार गई